यूपी और हरियाणा सरकार के लव जिहाद कानून बनाने के ऐलान को लेकर छिड़े सियासी घमासान के बीच मध्य प्रदेश सरकार ने तो इस कानून को अमली जामा पहनाने की पूरी तैयारी कर ली है। कैसा होगा मध्य प्रदेश में लव जिहाद कानून, आप भी देखिए इसका खाका। नाम होगा मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र कानून। गैर जमानती धाराओं के तहत होगा केस दर्ज, 5 साल तक की होगी कठोरतम सजा। सहयोग करने वाले भी होंगे मुख्य आरोपी। शादी के लिए धर्मांतरण कराने वालों को भी होगी सजा। स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन कर शादी के लिए 1 महीने पहले कलेक्टर को देना होगा आवेदन। पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला करते हुए कहा कि इस तरह के कानून पूरी तरह से असंवैधानिक होंगे और ये समाज को बांटने की कोशिश की तरह है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया के जरिए लिखा, देश को बांटने और इसके सौहार्द को बिगाड़ने के लिए लव जिहाद शब्द बीजेपी द्वारा निर्मित किया गया है। शादी ब्याह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विषय है, इस पर काबू पाने के लिए कानून लाना पूरी तरह से असंवैधानिक है और इसे किसी भी अदालत में मान्यता नहीं मिलेगी। प्यार में जिहाद की कोई जगह नहीं है। उन्होंने एक और ट्वीट करते हुए लिखा कि वो देश में एक ऐसा वातावरण तैयार कर रहे हैं जहां एक दूसरे से सहमत अडल्ट राज्य की दया पर निर्भर होंगे। शादी एक निजी निर्णय होता है और वो इस पर नियंत्रण पाना चाहते हैं, जो कि एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता को छीनने जैसा है।